नमस्कार किसान साथियों, मैं शेखर को फॉर्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम आए हुए हैं चित्रकूट के मानिकपुर गांव में, तो हम यहां पर देखेंगे पानी की कमी है, लेकिन फिर भी यहां के किसान कैसे अपने गेहूं की फसल की देखभाल करते हैं और यहां पर कितनी अच्छी फसल करते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको आगे देते हैं अपने वीडियो में। जैसा कि आपको बता दें कि मानिकपुर का क्षेत्र जो है वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, लेकिन किसान काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ गेहूं की अच्छी पैदावार कर लेता है। जैसा कि आपको बता दें कि विश्व में प्रमुख खाद्यान्न फसल जो गेहूं है, जिसकी खेती पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में की जाती है, पूरे संसार में भोजन उगाई जाने वाली अन्य फसलों में मक्का के बाद जो है नाम आता है गेहूं का। गेहूं जो है दूसरी फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। गेहूं की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी फसल हो जाती है। वैसे तो अगर आप अपने ज़मीन की स्तर के हिसाब से आप अपने अच्छे बीज का सुझाव करते हैं तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट नज़र आता है आपकी फसल में। और जैसा कि आपको बता दें कि गेहूं की सिंचाई का जो उपयुक्त समय होता है वो होता है इसकी पहले सिंचाई 60 दिन के बाद करनी चाहिए, जिसमें 100 लीटर पानी में 2 से 2.5 किलो यूरिया के साथ 0.5 किलो जिंक के घोल का छिड़काव करना चाहिए। गेहूँ की फसल में यह छिड़काव बुआई के बाद पहले 60वें दिन करना चाहिए और दूसरा छिड़काव 20वें दिन तथा तीसरा छिड़काव वो 15 दिन के बाद करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से गेहूं में सिंचाई और छिड़काव का ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होती है। गेहूं के उपज को बढ़ाने के लिए आपको आपकी क्षेत्र की जो है जलवायु दशा के अनुसार वहाँ पे उन्नत बीजों का जो है बुआई करना चाहिए। और जैसा कि आपको बता दें कि गेहूं की फसल में शुरू में दीमक कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना चाहिए तथा पूर्व में बोई गई फसल के अवशेष को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है, जो कि पत्तियों तथा बालियों का रस चूसते हैं और जिससे हमारे गेहूं की फसल में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।